भाई जब से पुलिस डिपार्टमेंट में मैं ज्वाइन हुआ हूँ तब से मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं मिली है। वैसे इसमें कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन यार इन लोगों ने अभी तक मेरे को मेरा हैट नहीं दिया है, मतलब मेरी टोपी नहीं दी है पहनने के लिए। मतलब अब मैं क्या ऑफिसर हूँ? खैर छोड़ो गाइस, जल्दी से कंप्यूटर के काम पूरे कर लेता हूँ। अरे भैया जल्दी चलो, शहर में तबाही आ गई, ये हमारे लॉस सेंटोस की पुलिस क्या कर रही है? अरे यार हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, कैसे कैसे लोगों को तुम ऑफिसर बना देते हो यार। ओए बाहर निकलो ऑफिसर। भाई हमसे कुछ ना बोला, हम फोन में बुझे। हाँ बहुत बढ़िया जॉक था भाई। यार कैसे पुलिस ऑफिसर है? एक मिनट सर, क्या हो गया? बस रुको यार गाइस, देखना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है। पता ही है किसको मारना है? अब यार जिसको मारना है वो हमको मार रहा है वहां पर। अरे हमें बचा लीजिए, उसने हमारी बच्ची किडनैप कर लिया। मेरा तो अंकल को ही किडनैप कर लिया उसने। लेकिन हुआ क्या, तुम मुझे बताओगे? अरे रेडल काया है, हमारी फैमिली को किडनैप कर लिया दिन दहाड़े बीच बाजार में, और तुम पुलिस वाले यहाँ बैठ के जोक सुन रहे हो। अरे यार मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अब सब पुलिस एक जैसी थोड़ी ना होती है। तो जल्दी चलो भैया यार, बचाए उनको, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम पुलिस वाले हो भी नहीं लगते तो होनी शकल से। इसका क्या मतलब है यार? खैर दोस्तों मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर पुलिस होने का फर्ज निभाऊंगा, जल्दी जाता हूँ। बाकी आपको बताऊं दोस्तों, मेरी जिंदगी कुछ सही नहीं है, इन लोगों ने मुझे कार तक नहीं दिया, मैं तो ताला तोड़ के भाग जाऊंगा इनकी कार लेके लिटरली। मैं यार मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरे पे खुद की पर्सनल कार होनी चाहिए, और मेरी हैट भी नहीं है, कैप भी नहीं है लिटरली। मैं ये बहुत ज्यादा गलत बात है दोस्तों। अब चलो जल्दी चलते हैं और जाकर सबसे पहले उस रेड अलर्ट की खबर लगाते हैं। वो शायद जानता नहीं है फ्रैंकलिन पुलिस वाला कितना खतरनाक है। दोस्तों जल्दी जाता हूँ। बहुत मजा आ रहा है। इसने पूरी तरह से तबाही मचा रखी है, ये शायद जानता नहीं है पुलिस वाला हूं मैं, अब इसको छोड़ूंगा नहीं। ओए रेड मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अरे बाप रे पुलिस आई है, अरे ऐसी हालत वाला पुलिस मैंने नहीं देखा। इसका क्या मतलब है? अरे तेरी तो वर्दी भी पूरी नहीं है, चुपचाप रहिए, बता अकेला क्यों आया है? कहीं किसी की पुलिस की वर्दी तो नहीं चुरा ली तूने? यार मैं असली पुलिस वाला हूं ये कह रहा है। अब सबसे पहले यहां पर बातें बंद कर, मेरे साथ जेल चल। और यार इतनी बड़ी तो हथकड़ी भी नहीं है कि मैं इसके हैंडकफ्स लगा दूं। रुक, तू मेरा हथकड़ी लगाएगा? अरे तू, अरे भागो यहां से दोस्तों, ये लोग बहुत खतरनाक है। अरे मैं लोग नहीं इंसान हूँ अकेला, रुक तुझे बताता हूँ फ्रैंकलिन तू बचेगा नहीं। अरे मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। गाइस कोई जल्दी लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तू ना कानून पर हाथ उठा रहा है रेडल, पूरी पूरी कानून की आर्मी लेकर आऊंगा, तेरी बैंड बजाऊंगा, किसी से नहीं डरता हूँ। अरे तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम जैसे रोक लेने लगे ना तो डिपार्टमेंट को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, तुम ही खत्म कर डालोगे। अरे बाप रे इतनी बेइज्जती कर रहा है, बहुत हो गया, अब मैं इसमें सीधी गोली चलाऊंगा। ये ले ये ले ये ले, अब तक तो मैं बातें कर रहा था, हैं अबे इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अरे बाप रे गाइस, पूरी एक एम खाली कर डाली मैंने, इसको कुछ होने का नाम ही नहीं हो रहा। मुझे कुछ नहीं होगा, यहाँ पर शहर में अब मेरा राज होगा। पुलिस वालों देख लो, ऐसे फ्रैंकलिन को जॉब दोगे तो यही होगा। अरे मेरी बेइज्जती क्यों करवा रहा है? गाइस यार अगर हमारे ऑफिस के हेड मास्टर को पता चल गया यहाँ पर क्या हो रहा है तो वो तो मुझे मेरी नौकरी से बाहर निकाल देगा, मुझे इसको पकड़ना ही पड़ेगा। ये ले ये ले ये ले, मैं तुझे गोलियां चलाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होने वाला। अरे अवेंजर्स कहाँ हो, देख लो इस बेवकूफ फ्रैंकलिन को। नहीं नहीं, अरे बड़ी जोर से मारा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कम से कम मेरी नहीं इस वर्दी की शर्म कर ले यार, तुझे ना छोड़ूंगा नहीं मैं। कितना बुरी तरह से मार रहा है, मजा ही आ गई मार कर इसको। अरे भाई देखो देखो कैसा पुलिस वाला है। हाँ भैया देखो देखो कैसा पुलिस वाला है। अरे हाँ बिल्कुल पागल पुलिस वाला है, इसकी मुश्किल नहीं किसी को बचाना है। एक मिनट, तीन लोगों को मैं बचाने आया था, वो ही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? यार ये बहुत ज्यादा गलत बात नहीं है तुम लोगों की? मुझे प्लीज जाने दो, जाने दो यहाँ से। अरे भाई हम क्या करें, तुझे यहाँ पर रेडल ने पकड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई है? अरे मुझे बचाओ। गाइस बाकी का पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ है, वो लोग क्या कर रहे हैं? ओ माय गॉड, इस रेडल ने तो कुछ ज्यादा तबाही मचा दी यार, ये तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ाता जा रहा है, अब तो इसने शहर में आग भी लगा दी है। यार ये परेशानी कुछ ज्यादा ही हो रही है, मैं सिंचन पिंचन और चौक को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं एक गुंडे मोबाइल इंसान को नहीं पकड़ पाया जबकि मैं पुलिस का टॉप का मास्टर बनना चाह रहा था। जल्दी चलो अवेंजर्स। अरे बाप रे ये क्या हो गया, हमारी लॉस सेंटोस की पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर, इतनी सारी गंदगी और साथ साथ में तमाशा हो गया। तू शायद जानता नहीं है दुनिया के रखवाले इकलौते अवेंजर्स आ चुके हैं। और बाप रे अवेंजर्स बड़ी देर लगा दिया। अरे हमारा बात तो सुनो।
अरे तुम्हें कुछ बताना है? हमें कुछ नहीं सुनना बेवकूफ, निकल यहाँ से। और मैं बताता हूँ कि फ्रैंकलिन पुलिस में ज्वाइन हुआ है, वो मुझे हराने आया था, मैंने उसको खूब पिटा। क्या, एक मिनट, फ्रैंकलिन पुलिस में ज्वाइन हो गया? अरे सुन लो एवेंजर्स, ये क्या कह रहे हैं? मेरे को तो यकीन नहीं होता है, उसके बस की भी कैसे पुलिस में ज्वाइन हो रहा है। खैर छोड़ो, हमने यहाँ पर रेडल की बैन बजा दी, आज के बाद यहाँ पर गड़बड़ की तो छोड़ेंगे नहीं। अरे बाप रे, इतनी बड़ी आग, हमें जल्दी फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्रिगेड या फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर किसी भी हालत में जितनी भी आग लगी है उसको बुझाना होगा। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पर इतनी तेजी में हवा चलाई कि यहाँ पर जितनी भी आग थी वो सब बुझ गई। उठी किसो, मजा ही आ गया, चलो जाकर देखे तो सही प्यारा दुलारा पुलिस वाला हमारा फ्रैंकलिन क्या कर रहा है। अरे बाप रे, एक मिनट यार, तुम लोग इतने लेट क्यों आए? लिटरली में वो बस मुझे मारने वाला था। भाई बिल्कुल पागल है। अरे फ्रैंकलिन, तू भी लिटरली में कहाँ पुलिस की नौकरी करने चला? हल्क बिल्कुल सही कहता है, पुलिस की नौकरी करना आसान नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही कही यार, यहाँ पर बात बात पे मिनट मिनट पे लिटरली में खतरा छुपा होता है हमारी जिंदगी को। यार इनकी कसम, मैंने तो कभी सोचा नहीं था हमारे पिताजी का नाम बस हम ले सकते हैं। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, पुलिस वालों को मुझे नौकरी देनी चाहिए थी, ना कि फ्रैंकलिन को। ये बात तो बिल्कुल सही कही। अरे हाँ भाई, ओए हमारे एवेंजर्स पुलिस वाले होने चाहिए, ना कि ये बेकार से फ्रैंकलिन। बिल्कुल सही कहा, एवेंजर्स को पुलिस वाले बनाओ। अरे हाँ बिल्कुल, एवेंजर्स को ही पुलिस वाला बनाओ, यहाँ पर ये नहीं बन सकता। भाई देखो देखो देखो, अरे फ्रैंकलिन कितना नूब है यार, ये पुलिस वाला होने के बिल्कुल लायक नहीं है। यार कम से कम मैंने कोशिश तो की, तुम लोग मेरा ऐसे मजाक क्यों ला रहे हो? मेरे को जल्दी चलना पड़ेगा, आज इस फ्रैंकलिन के बच्चे ने हमारी नाक कटवा दी, पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शर्मिंदा है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का हेड। ओए फ्रैंकलिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस की गाड़ी चुराने की? व्हाट, मैं यार यार पूरे शहर को बचाने गया था और तुम लोग बोल रहे हो कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कार चुराने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, तो तू हमारे डिपार्टमेंट में आके हमारी नाक कटवाना चाहता है। हल्क बेटा इसको मार। हल्क का मन नहीं अपने दोस्त को पीटने का, तो ठीक है मैं इसको पीटूंगा, मैं तुझे आज से जॉब से निकालता हूँ और अवेंजर्स को पुलिस वाला बनाता हूँ। नहीं यार ऑफिसर, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बॉस, कर दीजिए, रोक तू ऐसे नहीं मानेगा, चल हमारी वर्दी निकाल। इतनी मेहनत से मैंने ट्रेनिंग की थी पुलिस में ज्वाइन होने के लिए और तुम मुझे ऐसी मार मार के निकाल रहे हो। बिल्कुल, तू इसी के काबिल है, चुपचाप हमारी पुलिस की वर्दी है, हमारे स्टेशन छोड़ जाइए वरना हम तेरे को मार देंगे। ये बहुत ज्यादा गलत बात है गाइस, अब अवेंजर्स पुलिस में ज्वाइन हो गए और मुझे बाहर निकाल दिया गया। कोई बात नहीं है, मैं सिंचन पिंचन चौक के पास जाऊंगा, उनको बताऊंगा मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं पूरे शहर को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब हल्क बनेगा पुलिस वाला। बिल्कुल सही कहा बरकुरदार। अरे हाँ भाई हल्क बनेगा, अरे मैं तो पहले से ही पुलिस वाले से दिखने में कोई कम नहीं हूँ। ओडियन क्यों सब, मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। यार तो पहले से अंतर्यामी हो। गाइस ये एवेंजर्स अच्छे दोस्त नहीं निकले मेरे, इन्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, पीछे से वार किया इन्होंने। कोई बात नहीं है गाइस, मैं यहाँ पर और ट्रेनिंग करूंगा और अब ना सिंचन पिंचन चौक के साथ ट्रेनिंग करूंगा, उनके साथ अपने साथ ना उनको भी है। अरे बापरे, ये मेरी कार पर सिंचन पिंचन चौक के सारे कपड़े, इवन मेरे कपड़े भी इस कार पे क्या लग रहे हैं भाई साहब, ऐसा लगता है जैसे कि शॉपिंग हो रही हो। लेकिन एक मिनट, हमारे ऑलरेडी जो कपड़े घर पर है उनकी शॉपिंग कोई क्यों करेगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सिंचन पिंचन चौक, व्हाट, ये तुमने इतना सारा सामान अपने ऊपर रख रखा है? अरे फ्रैंकलिन भैया, जो भी आपके और हमारे बीच रिश्ता था आज सब खत्म हो गया। वाह भाई साहब फ्रैंकलिन, तूने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी फैमिली, हमारे खानदान का नाम मिटाने में। अबे कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता भी एवेंजर्स ने धोखा दिया, मेरी नौकरी छीन ली और पुलिस वाले बन गए खुद। यही हम भी एवेंजर्स के पास ही जा रहे हैं। लेकिन क्यों, और मेरे कपड़े क्यों लेके जा रहे हो? वो अब आपके कपड़े नहीं रहे, आप तो भिखारी फ्रैंकलिन भैया हो गए, आपके पास जॉब भी नहीं। चलिए अब हमें रोकिए मत। हाँ बड़े आए पुलिस वाले, पुलिस वाले असली एवेंजर्स हैं, आपके बस की कुछ भी नहीं है। अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हो सिंचन, अरे तूने भी मुझे धोखा दे दिया। आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, आप जब पुलिस वाले थे ना तब आपकी थोड़ी बहुत इज्जत थी, अब तो वो भी नहीं रही। गाइस ऐसी बात नहीं है यार, गाइस आप मुझे सपोर्ट करते हैं ना? अगर करते हैं तो प्लीज जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को मेरे लिए सब्सक्राइब। गाइस कुछ मत करना इनके लिए, हाँ सपोर्ट, ये बिल्कुल नालायक है नालायक। अरे यार कोई नालायक नहीं हूँ मैं तुमको लायक बनकर दिखाऊंगा। सिंचन पिंचन चौक, एक मौका तो दो, अरे मेरा घर छोड़ के मत जा, चलो जल्दी चलते हैं। हाँ हमें तो एवेंजर्स के साथ रहना है, वो सबसे बढ़िया वाले पुलिस वाले। यही मैं भी आ रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। भाई साहब मेरे को तो ले लो, बहुत मजा आएगा, वह कलवे की शक्ल देखने लायक थी ना, मजा ही आ गया। भाई इतना फर्जी पुलिस वाला मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं, अच्छा उसकी नौकरी छीन ली, कर ले वरना मैं ही छीन लेता उसकी नौकरी और मैं अब चौप पुलिस वाला बन जाता। अरे बाप रे गाइस, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी तो पूरी दुनिया पलट गई यार एक साथ से। गाइस मैं क्या करूं, सिंचन पिंचन चौप को कैसे रोकूं, आप लोग प्लीज कमेंट
कमेंट में बताओ ना सिंचन मिंचन को मैं उनको कितना प्यार करता हूँ, उनके बिना मैं क्या करूँगा, ये क्या हो गया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबसे बदला लूंगा, अब मैं दुनिया का बेस्ट पुलिस वाला बनूंगा, कुछ भी हो जाए। गाइस वो भी क्या दिन थे जब पहली बार मेरी नौकरी लगी थी पुलिस में, मुझे एक स्पेशल गन मिली थी और मेरी वर्दी मिली थी, सारे एवेंजर्स बहुत खुश थे, इवन पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, शहर के लोग, सबने मेरी बहुत इज्जत की थी। और दोस्तों आज देखिए सबने मुझे पीठ मार कर बाहर निकाल दिया, मेरी गलती क्या थी कि मैं कमजोर था। गाइस अब मैं ताकतवर बन के रहूंगा, पहले चेक करते हैं दोस्तों कि असल में शहर में क्या चल रहा है। आइडिया एक काम करता हूँ, न्यूज पे चेक करता हूँ। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, ये क्या हो गया, एवेंजर्स का एक बंदा जिसका नाम हल्क है, जो कि पुलिस वाला बनना चाहता था, वो असल में किसी तरह के वायरस में फंस गया है, इसलिए अब वो इसकी भी टॉयलेट मॉन्स्टर बन गया है। व्हाट, हल्क पर वायरस आ गया? मतलब हल्क को वायरस की वजह से इसकी भी टॉयलेट मॉन्स्टर बन गया वो? ओ भाई साहब, मुझे देखना पड़ेगा ये सब क्या चल रहा है हमारे शहर में, मेरे को देखना पड़ेगा। ओ माय गॉड गाइस। अरे भाई हल्क जी, आप तो यार पुलिस वाले होने चाहिए थे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हल्क सबको खाएगा, हल्क अब कोई पुलिस वाला नहीं, हल्क अब स्क्विडी मॉन्स्टर बन जाएगा। अरे प्लीज हमको छोड़ दो यार, प्लीज अल्लाह बापला हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हम बहुत मासूम लोग हैं। ओह नो, मुझे जल्दी हल्क को रोकना होगा वरना ये बहुत गड़बड़ कर देगा। हल्क तुमको खाएगा, अपने वायरस को बढ़ाएगा, हल्क सबसे ही बड़ा जायंट स्क्विडी टॉयलेट मॉन्स्टर बन जाएगा। अरे बाप रे गाइस, ये हल्क तो इंसानों को ऐसे खा रहा है जैसे लोग रोटियां खाते हैं लिटरली में। ओ माय गॉड, ये लोगों को खा खा कर इतना बड़ा हो गया, क्या ये मेरी बात सुनेगा भी? अरे बाप रे गाइस, देखा जब मैं पुलिस वाला था ना, सारी सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल रखता था, एवेंजर्स को देखिए कहां है अब, उन्हीं का दोस्त, उन्हीं की फैमिली का मेंबर लोगों को खा रहा है, और लिटरली में एवेंजर्स यहां है भी नहीं। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं हल्क। ओए मोटे रुक जा, अब कितना खाएगा, खा खा कर सांड हो गया है तू। अरे प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं आपको बचा लूंगा मैडम। हल्क मेरे भाई, ये क्या करता है तू यहां पर, प्लीज अपने आप को कानून के हवाले कर दे, यहां पर आत्मसमर्पण कर दे, मैं तुझे खुद जेल लेकर जाऊंगा, फिर यहां पर हमारा जो हेडमास्टर है वो मुझसे खुश हो जाएगा और मुझे फिर से वो मेरी वर्दी दे देगा, इस बार तो शायद स्पेशल कार भी दे, और मैं फिर से पुलिस वाला बन जाऊंगा। हल्क फोड़ेगा, दुश्मन को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कौन दुश्मन, कैसा दुश्मन? हल्क का दुश्मन तू, जो कि बिना पुलिस वाला इंसान है। अरे मैं पुलिस वाला ही हूं, इसका क्या मतलब है? अरे बाप रे, मेरे पास बस मेरी वर्दी तो नहीं है। अजी बाप रे, आप मुझे बचा रहे हैं, पिटवा रहे हैं। अरे सॉरी मैडम जी, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हल्क सबको मारेगा, हल्क का दुश्मन फ्रैंकलिन। अरे बाप रे, कोई बचाओ, ये इसकी विधि कहां से बन गया भाई, ये किस तरह का वायरस है? इससे पहले कि गाइस ये वायरस पूरे शहर में फैले, मुझे हल्क को रोकना होगा। आइडिया, मैं मिलिट्री बेस जाता हूं और वहां से आरपीजी लेकर आता हूं, उसके बाद मैं हल्क को रोक पाऊंगा। हल्क जा रहा है, हल्क सबकी बैंड बजाएगा। अरे बाप रे गाइस, यार ये हल्क अब कहां जाने की कोशिश कर रहा है? अरे बाप रे, मैं जल्दी करता हूं, मुझे यहां पर स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर को रोकना पड़ेगा। एक मिनट दोस्तों, ये उधर क्यों देख रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं है कहीं एवेंजर्स यहां पर आ गए हो? जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा हमें। अरे यार ये हल्क तो फ्रैंकलिन की तरह हमारी नाक कटवाएगा। बिल्कुल सही कहा है, हम हल्क को किसी भी हालत में ठीक करके रहेंगे। असल में गलती हमारी यही, हमने हल्क को जोश जोश में वो वायरस वाला बर्गर खिला दिया। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये तो पागल सच में स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर बन गया। इससे पहले कि सरकार को ये बात पता चले और वो हमें पुलिस की नौकरी से निकाले, हमें जल्द से जल्द हल्क का खात्मा करना होगा। ठीक है, हल्क को मार दो। क्या ये लोग हल्क को मारने जा रहे हैं? लेकिन क्यों? अरे मेरे पास एक तरीका है, हल्क मरेगा भी नहीं और बच जाएगा। जल्दी बता दो। मेरे पास एक ऐसी गन है जो टोनी स्टार्क तू इस्तेमाल कर और हल्क को वापस से नॉर्मल इंसान बना दे। अरे भैया एक मिनट, एवेंजर्स इसका मतलब ये तुम्हारी गलती थी हल्क को ऐसा बनाने की? ओए फ्रैंकलिन, तू यहां क्या कर रहा है भिखारी? ए दूर रह, अब हम पुलिस वाले हैं। हालांकि बस वर्दी नहीं मिली हमारी, हमारी वर्दी बनने गई है तो इसलिए टाइम लग जाएगा, और तुम्हारी वर्दी कभी मिलेगी नहीं। मैं सरकार को बता दूंगा तुमने कैसे चीटिंग की है। तू बताएगा और सरकार तुझ पे इस बात पे यकीन करेगी? बिल्कुल करेगी, बच्चे ही बताएंगे कि तुम्हारी वजह से ही आज हल्क पर वायरस आ गया। तुमने ना मजाक में उसको वायरस वाला बर्गर खिलाया, जिस वजह से वो जॉइंट इसकी भी टॉयलेट मॉन्स्टर बन गया। अबे बेवकूफ, तू शायद जानता नहीं है कि हम कितने खतरनाक लोग हैं। ये ले, तू हमारी नौकरी, हमारी रेपुटेशन, हमारी इज्जत हमसे छीनेगा और हमें ये होने देंगे? अरे बाप रे, तुम लोग कितने बड़े चीटर हो, तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो नहीं टाइम नहीं, जल्दी कर। हल्क सबको अब इसकी विधि मना देगा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। गाइस मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, यहां पर तो फायर फाइटर्स भी आ गए। ओ हेलो, मेरी बात सुनो गाइस, यहां पर हमें किसी भी हालत में इन एवेंजर्स हैं। एक मिनट, ये क्या? ये ले टोनी स्टार्क इस गन का इस्तेमाल कर और जल्दी से इस हल्क को किसी भी हालत में नॉर्मल बना ले। गाइस काश इस गन का इस्तेमाल करके मैं हल्क को नॉर्मल करता, फिर मेरी पुलिस की नौकरी मुझे मिल जाती। मैं जल्दी चाहता हूं और इस गन को, हैं
ये क्या फ्रैंकलिन इतनी जल्दी नहीं बच्चे, चुपचाप वहीं रहे। हैं मैं जाल में कहां से बंद हो गया? अरे नहीं, वो उस गन का इस्तेमाल करके मैं हल्क को ठीक करता। ऑलराइट मेरी बात सुनो, तुम लोग मुझे बैकअप दो, मुझे बस हल्क पर एक सही निशाना लगाना है, उसको ठीक करना है। यार ये बेवकूफ हल्क भी, हल्क वहीं खड़ा रहे, हल्क हल्क तुमको खाएगा। अरे हल्क को क्या कर दिया? कैसा है भाई हल्क, और बर्गर खाने इस तरह के? अरे हल्क बर्गर नहीं खाएगा, तुम सबको खिलाएगा। अरे मजाक मत कर भाई। बच्चों और यहाँ पर बरकरदारो, हमने यहाँ पर एक सही ऑफिसर होने का नाता निभाया और यहाँ पर तुमको फिर से बचाया। ओ बिल्कुल सही कहा भाई, अवेंजर सबसे बेस्ट है। चलो चलते, हमारा काम हो गया, पाओ मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और जाकर मजे करूंगा। अब तो मैं पुलिस वाला भी हूँ। अरे ये बहुत गलत बात है यार, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आइडिया गाइस, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरह से अवेंजर से ज्यादा ताकतवर हो जाऊँ और कोई ऐसा अच्छा काम कर दूँ जिससे कि पुलिस डिपार्टमेंट मुझसे खुश हो जाए, तो मैं वापस से पुलिस में ज्वाइन हो सकता हूँ। गाइस यहाँ पर एक काम करते हैं। सबसे पहले ओ हेलो गाइस, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यही किस तरह की गड़बड़ हो गई? भाई साहब मेरे को पुलिस वाला बना दो यार, अंकल मजा आ जाएगा। अरे टोनी का बच्चा तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं कोई टोनी का बच्चा बच्चा नहीं हूँ, ना ही उसका दोस्त हूँ। मेरी बात सुन डॉक्टर स्ट्रेंज, तुझे पता है हल्क ने ना प्लानिंग की है, उसने ना यहाँ पर जितने भी एंजर्स हैं सबको इसकी विधि टॉयलेट मॉन्स्टर बना दिया और वो सब तुम पे हमला करने आ रहा है। अरे मेरे को इसकी विधि से बचा। तो यहाँ पर एक काम कर, तू मेरे को जल्दी से डॉक्टर मिक्सर एंड डॉक्टर फिक्स के बाद भेज दे, मैं वहाँ पर ट्रेन लेकर पुलिस बन जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। ठीक है प्लीज मेरे को बचा ले, मुझे बहुत डर लगता है। अरे ऐसा मत करो, ये फैंकी भैया हमारा उल्लू बना रहे हैं। अब तो उल्लू तुम बन चुके लेकिन यहाँ पर अवेंजर्स ने धोखा किया, मेरी नौकरी मुझसे छीन ली, इस बार मुझे उनसे भी बड़ा वाला पुलिस ऑफिस बनना है। ठीक है बच्चे, फिर उसके लिए ट्रेनिंग करनी होगी। बिल्कुल बाची हमारी बात सुन, असल में तेरे को इस बिजली वाले पानी में जानी होगी। व्हाट पानी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का करंट छूटा हुआ है? अरे भैया तुम मरवाना चाहते हो या पुलिस बनना चाहते हो? और बच्ची तूने तो बोला तू उनसे सुपीरियर बनना चाहता है। ये बात तो है, अगर मुझे अवेंजर्स से तगड़ा पुलिस वाला बनना है और इस दुनिया को बचाना है तो दोस्तों मुझे उनसे सुपीरियर बनना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर सारी ट्रेनिंग लूंगा और बेस्ट पुलिस वाला बनकर रहूंगा। ऑलराइट गाइस, मैं इस बिजली के कितनी देर सर वाइक करना पड़ेगा? और पूरे 25 सेकंड और 25 सेकंड, अरे मेरी आत्मा मुझसे बाय बोल जाएगी, प्लीज थोड़ा कम कर दो। नहीं बच्ची नहीं तो मरेगी, या तो तू पुलिस वाली बनेगी। नहीं मेरे को नहीं खेलना है इसे। अरे बाप रे, अभी तक भी शरीर में करंट घूम रहा है मेरे, जल्दी भागता हूं यहां से। यार तुम लोगों ने बहुत बुरा फंसाया है, डॉक्टर मिक्सेट डॉक्टर फिक्सेट, प्लीज कोई और तरीका तो होगा ना यहां पर एकदम बेस्ट ऑफिसर बनने का। अरे नहीं बच्ची चुपचाप जा और जाकर सर्वाइव कर, वरना हम तेरे को मारेंगे। व्हाट तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? नहीं बच्चे मेरा छोटा भाई मजाक नहीं करता, जो बोलता है वही करता है। इसका क्या क्या मतलब है? अभी बताता हूं बच्ची, अब तेरे को जाकर सर्वाइव करनी होगी, या तो मर या पुलिस वाला बन, बस दो ही ऑप्शन है। नहीं नहीं, अरे कैसे कौन बनाता है पुलिस वाला? अरे गाइस प्लीज हेल्प मी, जल्दी कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखिए, जब पुलिस वाला बनूंगा ना डॉक्टर फिक्सिट पहले तेरे को जेल में डालूंगा। हा हा बच्ची जल्दी सर्वाइव कर पुलिस वाला बनने के लिए। ऑलराइट गाइस मैं वापस से आ चुका हूं। अरे गाइस प्लीज जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिखो, अपने फ्रैंकलिन के साथ रहो, एक बार पुलिस वाला बन जाओ, अवेंजर्स को ना उनकी उनकी औकात दिखा दूंगा मैं, लिटरली मैं इतना बढ़िया वाला पुलिस वाला बनूंगा। इस बार मेरे पास खुद की पर्सनल कार होगी, अवेंजर्स के पास तो सिर्फ एक कार है, मेरे पास तो 15-20 कार होंगी, अलग अलग तरह की गन्स अलग अलग तरह की वर्दियां, तब देखना गाइस। अरे बाबा बस हो गया, मेरा काम हो गया। ओह फाइनली आई डिड इट गाइस, मैंने यहाँ पर पूरे 30 सेकंड सर्वाइव कर लिया इस पानी से भरी बिजली में। ऑलराइट, और वाह बच्चे तूने तो कमाल कर दिया, क्या बात है अच्छी, तेरा पहला टास्क पूरा हुआ। व्हाट पहला टास्क से क्या मतलब है? अभी मैं पुलिस वाला नहीं बना। नहीं बच्चे अभी तेरा दूसरा टास्क भी रह गया है। व्हाट, अरे बाप रे, ठीक है यहाँ पर यहाँ तक आ ही चुका हूँ तो आगे भी जाऊंगा, तो ठीक है बच्ची हमारा पीछा कर, हम तेरे को लेकर चलते हैं तेरे दूसरे टास्क की तरफ। पता नहीं गाइस ये दोनों भाई अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। भैया सबसे छोटे वाले को मैं खाऊंगा है, लेकिन छोटा वाला है कौन? एक मिनट, ये क्या, ये तो ब्लैक रिवेंजर हल्क है। बिल्कुल बाची, और ये साइड में है ब्लैक मैनम, जो कि इसकी ब्री टॉयलेट मॉन्स्टर बन चुका है। लेकिन ये खाने की, अरे बाप रे ये तो सिंचन है। अरे मुझे बचाइए, ही सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझे मत खाना। बाप आज तो सबसे बड़ा मैं हूँ। अरे नहीं सबसे बड़ा मैं हूँ, ये चॉप सबसे छोटा इसको खाओ। हाँ भैया हम सबसे बड़े को खाएंगे अब। अरे बाप रे गाइस मेरे को अपनी फैमिली को बचाना पड़ेगा। आइडिया गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी फैमिली को बचा लेता हूँ, उसके बाद इनको पीट लूंगा। ओए सिंचन पिंचन चॉप, मैं तुम्हें बचाने आया। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया बचाने भी तो आया आप, अरे आप तो खुद को नहीं बचा सकते, हमें क्या बचाओगे? देख ले फ्रैंकलिन तेरी फैमिली तेरी इज्जत नहीं करती। हां भैया हां, नंगो पंगो फ्रैंकलिन आया था। गाइस इस मैनम को और ब्लैक हल्क को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास कोई ना कोई तरीका तो जरूर होना चाहिए इन दोनों को हराने का। ओह माय गॉड, ये तो एक मिलिट्री टैंक है। गाइस मेरे पास एक कमाल का आईडिया है, मिलिट्री टैंक का इस्तेमाल करके मैं सबसे पहले इस ब्लैक रिवेंजर और इस वेनम
की बैंड बजाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं शिनचैन, पिनचैन और चॉप को बचाऊंगा। ऑलराइट, और गाइस उसके बाद मैं बन जाऊंगा अवेंजर्स से भी बड़ी पोस्ट वाला ऑफिसर। फिर तो गाइस देखना पूरा शहर एकदम सलाम ठोकेगा मुझे, अरे मार दिया, अरे कौन मार रहा है भैया, यही का है अबे, ओए ओए खिलौने, हम तेरे को खा जाएंगे। अच्छा इसको खिलौना समझ रहा है गाइस ये वेनम, ये ले बेटे अब पता है भैया बड़ा खतरनाक खिलौना है, हमारी बैंड बजा दी। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया ने तो कमाल कर दिया, हे हे हमारे फ्रैंकलिन भैया ने तो कमाल कर दिया, वाह वाह तो कल है मुझे विश्वास था तू हमको बचाएगा। अभी रुको गाइस ये जाल को और तोड़ता हूं। ऑलराइट मैंने फाइनली यहां पर ब्लैक रिवेंजर को और साथ-साथ में इस खतरनाक वेनम को, जो कि दोनों बहुत ही बड़े किडनैपर और क्रिमिनल थे, इन दोनों को हराकर ये साबित कर दिया कि अब मैं पुलिस वाला बनने के लायक हूं। अरे वाह भैया मुझे नहीं लगता आप पुलिस वाले बनेंगे, आपसे अच्छे पुलिस वाले तो अवेंजर्स हैं। एक मिनट बचाया किसने तुम्हें, आपने, तो तुम मदद उनकी क्यों कर रहे हो यार, उनको क्यों सपोर्ट करते हो। वाह कॉकी कलवा तुझको परेशान करने में मैं आता हूं, मजाक कर रहे फेकी भैया, जल्दी जाइए पुलिस वाले बन जाइए। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, अब अवेंजर्स देखेंगे कि मैं कितना बड़ा पुलिस वाला बनूंगा। अरे बच्ची तूने तो कमाल कर दी, क्या बात है बच्चे, तूने तो यहाँ पर आग लगा दी ब्लैक वेनम की और साथ साथ में ब्लैक रिवेंजर की बैंड बजा दी। अरे सर इस बार मेरे को पहले से बेटर यार कोई वर्दी चाहिए और साथ साथ में एक स्पेशल गन चाहिए और कार तो पक्का ही चाहिए। ठीक है बच्ची तेरे को यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी, तेरी वर्दी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है तो पुरानी वाली वर्दी दे देता है। अरे नहीं नई वाली दे दो ना प्लीज। अरे गाइस इन्होंने फिर से सेम सेम चीजें दे दी मुझे, नहीं इस बार मुझे M14 मिली है पहले। ओ भाई साहब वेट ये मेरी कार है क्या। बिल्कुल बातचीत तो बहुत ही बड़ा स्वागत है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में। ऑल राइट गाइस ये वाह हमारे फ्रिंकी भैया तो पुलिस वाले बन गए, अब तो इनकी इज्जत वापस आ गई, इनकी इज्जत वापस आ गई तो हमारी भी आ गई। हे वो भी इज्जत बहुत बड़े मतलब ही है, उन्होंने हमें अपने साथ नहीं रखा है, हमारी बेइज्जती करके वैसे भगाया। वाह भाई साहब मुझसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसी अच्छी बातें कही थी कि बता भी नहीं सकता। तुम लोग चिंता मत करो अब भी उन अवेंजर्स को बताऊंगा। ऑल राइट गाइस अब मैं अवेंजर्स से सुपीरियर उनका सीनियर बन चुका हूँ, अब उनको ना मेरे सामने हमेशा सलाम ठोकना होगा और साथ साथ में गाइस यहाँ पर मेरी इज्जत करनी होगी और सर कह के बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना तो उनकी वर्दी उतरवा दूंगा मैं, इतना ज्यादा अथॉरिटी। एक मिनट दोस्तों ये शहर में हपड़ा दबड़ी क्यों मच रही है, क्या हो क्या कह रहा है, हमारे शहर में पहले एक ऑफिसर बना था इसकी भी थी टॉयलेट मॉन्स्टर, अब सारे के सारे अवेंजर्स की भी टॉयलेट मॉन्स्टर बन चुके हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बोल रहे पूरे शहर को खा जाएंगे। व्हाट अरे भैया ये क्या हो गया, मेरे को जल्दी जाना होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये फ्रैंकलिन अपने पुलिस वाली अकल से कैसे इनकी बैंड बजाता है, वैसे भी अच्छा हुआ ये विलन्स बन गए, अब इनको इतना पीटूंगा पीट पीट के जेल में डालूंगा सबको, फिर पता चलेगी इनको। ये ले 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 अरे बाप रे गाइस यहां से ना पहले मैं देखना पड़ेगा कि असल में चल क्या रहा है। ओए हल्क तूने यहां पर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मैं इसकी ब्रेड टॉयलेट मॉन्स्टर बन गया। हल्क ने तेरे मॉर्निंग सूप में वो खतरनाक वायरस मिलाया और मेरी क्या खता थी, हल्क ने तेरे मकड़े में वायरस मिलाया। हल्क इसकी विधि बनेगा तो तुम सबको बनेगा। मेरी क्या गलती थी जो मेरे को छोटा वाला बनाया। उठी के सब अरे मैं तो गॉड हूं मुझे सबसे बड़ा बनना चाहिए था। अच्छा बेटा यहां पर इनके कंपटीशन चल रहे हैं अभी बताता हूं। बचा था। अरे ये रहा हल्क को नहीं बनना इसके ब्रीड टॉयलेट मॉन्स्टर। अरे तो सही तो कर रहा हूं तेरे को। हल्क ठीक हो गया, तुम चिंता मत करो, तुम सबको ठीक मैंने जेल ले जाने के लिए है। चलो गाइस अब जल्दी से डिपार्टमेंट में कॉल लगाते हैं। ऑल राइट गाइस देखिए मैंने सारे एवेंजर्स को अरेस्ट कर लिया है, सबके सब यहां पर आराम से चुपचाप बैठ रहे हो। अरे फ्रैंकलिन माफ कर दे, हल्क को माफ कर दे। अरे वाह फ्रैंकी भैया तो सबसे सुपीरियर बच्चे, तूने कमाल कर दिया, तूने हमारे डिपार्टमेंट का नाम धमाल कर दिया है, सारे एवेंजर्स को खतरनाक जेल में लेके चलो। फ्रैंकलिन हम वापस आएंगे तुझसे बदला लेंगे और सबसे टॉप का ऑफिसर हम बनेंगे और तेरे को जेल में फंसवाएंगे। बिल्कुल हल्क तो यहां पर मिलिट्री मैन बन जाएगा, इसकी बैंड बजाएगा। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, और हां आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में जल्दी से पार्ट 3 लिखो। थैंक यू सो मच।